हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवमेंट इन ऑल। मैं हूं आपके साथ नम्रता। और ये देखिए आज मैं कितना बड़ा चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूं, पटना से मैं दिखा रही हूं। और ये शाम के टाइम का है और आजकल लोग क्या करने लगे हैं, छत पर ही करने लगे हैं। भीड़ भड़ाक से सारे लोग बचना चाहते हैं। और मैं बेटी को लेकर आई थी तो भैया जो बगल में रहते हैं वो मेरी बेटी को ले लिए। और जितना देर मैं छत पर रही लगभग 1 घंटा वही रखें, मेरी बेटी भी रह गई। और पहली बार ये किसी के गोद में गई थी, बहुत बोल रहे थे कि बहुत अच्छे से आप रखते हैं, रोती नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा, लोग भीड़ से भी बचना चाहते हैं। मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ बच्चे को लेकर कोई मेला वगैरह में कैसे जाऊँगी। इसी तरह ये लोग भी कुछ सोचे होंगे, बहुत ज़्यादा धूप है लेकिन ये लोग छत पे ही कर रहे हैं, कम लोग हैं। लेकिन भगवान का पूजा तो कहीं से भी होता है। तो मैं भी छत पर आ गई, जल्दी रेडी होकर के स्कर्ट और कुर्ती डाल लिया, बेटा बेटी को लेकर मैं छत पर आ गई। सुबह भी मैं प्रयास करूँगी, इनका तो 2 बजे का शिफ्ट है तो ये 2 बजे रात में ही निकल जाएंगे। देखती हूँ कैसे क्या होता है। डियर जा तो नहीं पाऊँगी उनके छत पर, बच्चा वगैरह को लेकर के संभव नहीं है। तो ये शाम का कंप्लीट हो गया है अर्घ। और ये देखिए अब मैं आपको सुबह का दिखा रही हूँ, बिल्कुल सुबह का टाइम है। धूप मतलब सूर्य भगवान के निकलने का अभी इंतज़ार हो रहा है, सारे लोग गीत गा रहे हैं। मैंने आवाज़ म्यूट इसीलिए किया है, कॉपीराइट आ जाएगा। तो सुबह का है, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो चिंता कर रही थी कि मुझे बहुत लगाव है शादी के पहले, मैं बहुत नियम धर्म से घाट पर जाती थी तैयार होना। ये शादी के बाद तो पता नहीं, 5 साल दिल्ली में रही तो वहाँ भी इतना अच्छा से नहीं होता है, घाट वगैरह बना नहीं रहता है जिस तरह की गांव में बना रहता है। और पटना में तो जगह जगह हर छत पर, अभी मैं आपको दिखाऊँगी, अब लोग छत पर ही करने लगे हैं। पिछली बार तो सामने वाले छत पर भी हुआ था लेकिन इस बार नहीं हुआ है, उनका कोई छुत्तक वगैरह चल रहा है। हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। अभी बिल्कुल सुबह का समय हो रहा है, 5 बज रहा है। और बगल में मैं आती हूँ छत पे देखने के लिए, शाम में तो आ गई थी स्कर्ट कुर्ती डाल के आप लोगों को लाइव दिखाया था। और अभी मैं आई हूँ तो नीचे में बेटी मेरी सोई है, बेटा भी है। बेटा तो चलिए बड़ा है, गेट खुला छोड़ कर आई हूँ, लेकिन बेटी का डर लग रहा है, उठ के रोने लगेगी, गिर जाएगी। तो अभी यहाँ पर समय है होने में, तो इसीलिए अब मैं नीचे जा रही हूँ। और मुझे लग रहा है इधर भी इस साइड भी बना है, देखते हैं। अब आजकल लोग सब अपने घर में ही छत पे करने लगे हैं। हाँ, इधर भी हो रहा है लेकिन थोड़ा दूर में हो रहा है। मैं जूम इन करके दिखाती हूँ। ये देखो उस छत पे हो रहा है, वो क्लियर नहीं दिख रहा है, सुबह है इसलिए। ये देखिए ढोल बाजा के साथ हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मैं जा रही हूँ नीचे, डर है भाई, बेटी रोने लगी, भगवान माफ करेंगे सब कुछ। टीवी भी मैंने खोल दिया है, लाइट भी नहीं जलाया, मेरी बेटी उठ जाएगी। और ये देखिए इसको मैंने सुलाया है और मेरा बेटा तो हॉल में सोया है। मुझे खुद नींद आ रही है क्योंकि 12 बजे तक मैं सोई ही थी और 2 बजे ये चले गए। 2 बजे इनको जाना था क्योंकि तेजस्वी यादव आने वाले थे, वो नहीं भी आते तो इन लोगों का अपना जो ड्यूटी है वो तो करना ही पड़ता। और अभी मैं देख रही हूँ बेटी सोई है नींद से, तो एक बार मैं फिर से छत से होकर आती हूँ क्योंकि सुबह सुबह मन नहीं लगता है। शादी के पहले बहुत जाया करती, बहुत उत्साह मन में होता था लेकिन डर लगता है। कभी सोचती हूँ उधर का खिड़की खोलती हूँ छत से दिखे, फिर लगता है मच्छर आएगा इसको काट लेगा। टीवी भी मैंने चला दिया है, अब थोड़ा थोड़ा रोशनी हो रही है, लगभग 5:30-6 हो गया है, बस मेरी बेटी ना उठे। और इस तरह बार बार नीचे ऊपर जा जा करके मैंने बच्चे को भी देखा और भगवान का पूजा भी देख लिया। मैं मांग भी नहीं टिकवा सकी और प्रसाद भी नहीं ले सकी क्योंकि मेरी बेटी उठ चुकी थी, इसलिए मैं ऊपर नहीं गई। तो मेरे हस्बैंड ही प्रसाद लेते आए थे, उनको भी बहुत सारा प्रसाद ऑफिस में मिला था। तो प्रसाद खाने से मतलब है कहीं से भी मिल जाए। तो इस तरह से इस बार तो इसी तरह का रहा। और इस बार चूँकि सास के ख़त्म होने से 1 साल हुआ नहीं है तो जल वगैरह भी नहीं ही चढ़ाते हैं, इसीलिए नहीं ही गए। अगले साल से अब देखते हैं
कि कैसे क्या होता है, और जो साड़ी आपने डाला हुआ देखा वो उनकी रेंटर है, वो करती हैं लेकिन घाट पर जाकर करती हैं, घर पर नहीं करती हैं। इन लोगों ने घर पर ही तैयारी किया और इस तरह से देखकर बहुत अच्छा लगा। तो डियर, इस ब्लॉग में मैं और कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना चाहूँगी। प्रणाम करती हूँ सूर्य भगवान को। अगले ब्लॉग में नए सिरे से मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी छठ पूजा आप सभी को।